आपका आज ट्रांसप्लांटेशन हुआ, हेयर ट्रांसप्लांटेशन में आपके कितने ग्राफ्ट लगे, और आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, खर्चा कितना है हेयर ट्रांसप्लांट का। जैसे कि मॉर्निंग में भी आपने कॉल पे पेन को लेके बात करी थी, तो ऑनेस्टली बता दीजिए कैमरा में, अगर पेन हुआ है तो आप ट्रांसप्लांटेशन कराइए, बेझिझक कराइए, क्योंकि लोग तो पॉइंट आउट आपको तब भी करेंगे कि जब आप पूरे गंजे हो जाएंगे। Hey guys, welcome back to the channel. कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। फाइनली सौरभ ने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया, 4 घंटे पहले ट्रांसप्लांटेशन इनका कंप्लीट हुआ है। अभी ये मिलने आए हैं मुझसे हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बाद। लास्ट वीडियो में मैं आपको दिखाया था कि कैसे हेयर ट्रांसप्लांटेशन से पहले कोई भी पेशेंट फील करता है, और यू नो जो नर्वसनेस रहती है, जो माइंड में थॉट्स होते हैं, वो सारा कुछ हमने उस वीडियो में क्लियर किया था। इनके साथ एक इंटरव्यू लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि ट्रांसप्लांटेशन सौरभ का कैसा हुआ है, कहां से ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, कितना खर्चा सौरभ के ट्रांसप्लांटेशन में आया है, कैसा सौरभ को फील हुआ ट्रांसप्लांटेशन के टाइम, एवरीथिंग मैं नहीं सौरभ आपको आज की वीडियो में बताने वाला है। तो इसीलिए वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट चीजें आज पता लगने वाली है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसप्लांटेशन हो गया 4 घंटे पहले, कितना टाइम सर्जरी चली? 6 घंटे आई थिंक आपकी चली। जी सर। कैसा फील हो रहा है सर? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत बेहतरीन फील हो रहा है। और पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं अपनी हेयर लाइन से बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने अपनी अभी हेयर लाइन देखी है तो इट्स अमेजिंग, मतलब मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ अपनी हेयरलाइन से। जैसा कि आप लास्ट वीडियो में बताया था कि सौरभ वॉज लुकिंग फॉर अ नेचुरल हेयरलाइन, राइट? इनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो हेयरलाइन ही थी। 24 ईयर ओल्ड है, ठीक है, यंग एज है काफ़ी, और ऑब्वियसली सब जानते हैं यंग एज में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो हेयरलाइन होती है, ठीक है। तो जब इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था सो इनको भी हेयरलाइन चाहिए थी, और हेयरलाइन ऐसी नहीं हेयरलाइन बना दी, इनको नेचुरल हेयरलाइन चाहिए थी। इन्होंने इनफैक्ट हमारे चैनल में रिजल्ट तक खोल के दिखाया कि सर मुझे ऐसी हेयरलाइन चाहिए, सर मुझे ऐसी हेयरलाइन चाहिए, मुझे ऐसी हेयरलाइन बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे ऐसी हेयरलाइन पसंद नहीं आई। सो काफ़ी ज़्यादा हेयरलाइन को लेकर स्पेसिफिक थे, इनको एक पर्टिकुलर हेयरलाइन चाहिए थी। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, टेम्पल की इनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, ठीक है, इनको टेम्पल क्रिएशन की जरूरत नहीं थी, टेम्पल इनके ऑलरेडी ठीक थे, लेकिन स्पेशल इनकी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे टेम्पल्स बना के दो, टेम्पल क्रिएशन स्पेशली। डॉक्टर साहब इनका कंसल्टेशन उन्होंने टेम्पल क्रिएशन के लिए भी बोला। फाइनली टेम्पल क्रिएशन हुआ है जितना मैं देख पा रहा हूँ, और ऑब्वियसली आगे जाके आप भी देखने वाले हो। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, सौरभ का खुद का चैनल है, वो खोलेंगे, वो पूरी जर्नी शो करेंगे, और उस चैनल का लिंक मैंने लास्ट वीडियो में दिया था, आज की वीडियो में दे रहा हूँ। उसमें ये दिखाएंगे भी कि कैसा इनका रिजल्ट आया है। मुझे फिलहाल लग रहा है बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, टेम्पल्स अच्छे बने, हेलन अच्छी बनी, क्योंकि सर्जरी देखने के बाद ऑब्वियसली आइडिया मिल जाता है, लेकिन स्पेशल रिक्वायरमेंट थी टेम्पल की, टेम्पल्स बने, मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छे बने, और इसीलिए शायद सौरभ बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है अपनी हेयरलाइन से। अब आते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। आज सुबह आप सर्जरी करवाने के लिए गए, आपने फोन भी किया था आई थिंक सर्जरी करवाने से आप जा रहे थे, राइट? तो अब आप खुद बताइए कैसा रहा सर्जरी ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि मैं तो था नहीं वहाँ पे, लेकिन मुझे भी बता दीजिए, व्यूअर्स भी देखिए। तो सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि 9 बजे मैं क्लिनिक में पहुँचा, मॉर्निंग में 9 बजे मैं क्लिनिक में पहुँचा। तो मैं थोड़ा नर्वस तो था, काफ़ी नर्वस था वैसे, मैं स्टार्टिंग में काफ़ी नर्वस था, लेकिन क्लिनिक में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला मुझे। तो फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा, तो आधे से आधा डर मेरा तो कंसल्टेशन के बाद ही ख़त्म हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप ब्रेकफास्ट करिए, तो मुझे बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट दिया गया, मैंने ब्रेकफास्ट करा। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे पहले ब्रेकफास्ट दिया आपको? जी, पहले मुझे ब्रेकफास्ट दिया गया, फिर उसके बाद मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी हेयरलाइन बनाने का टाइम हो गया, तो आप आ जाइए, हेयरलाइन ड्रॉ करेंगे आप। तो डॉक्टर्स ने मेरी हेयरलाइन ड्रॉ करी, तो लेकिन पहली हेयरलाइन से मैं सेटिस्फाइड नहीं था। मुझे थोड़ा डिफरेंट एग्रेसिव हेयरलाइन चाहिए। नॉर्मली ड्रॉ करी हेयरलाइन पहले सिर्फ? नहीं नहीं, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट यूज करा हेयरलाइन ड्रॉ करने के लिए। वो इंस्ट्रूमेंट मेरे को पता नहीं है वैसे, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली नाम तो नहीं पता होगा आपको। इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ था लेजर हेयरलाइन मेकर, हमने वीडियो में ऑलरेडी दिखाया है, उस पर लेजर से हेयरलाइन ड्रॉ करी जाती है फेशियल स्ट्रक्चर को देख के, और ऑब्वियसली आजकल सारे क्लिनिक्स में यूज हो रहा है, काफी ज्यादा हेल्पफुल भी होता है वो हेयरलाइन बनाने के लिए। तो सर उसके बाद मेरी हेयरलाइन बनाई गई, तो पहली हेयरलाइन से मैं सेटिस्फाइड नहीं था। तो फिर मैंने नहीं थे, क्योंकि उसमें टेंपल्स नहीं थे। जी, उसमें टेंपल्स नहीं थे। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मुझे टेंपल्स चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा एग्रेसिव हेयरलाइन चाहिए अपना। तो फिर उन्होंने मेरा हेयरलाइन दोबारा बनाया, तो फिर उस हेयरलाइन से मैं काफी सेटिस्फाई हुआ। फिर उन्होंने बोला आप आधे घंटे वेट कीजिए, मैंने आधे घंटे वेट करा, फिर मुझे ओटी में ले जाया गया और मेरा ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। अब जैसे कि आपने बताया, मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि मैं क्लिनिक में जब मैं नर्वस था, तो मैं जब टीम से मिला तो आप कॉन्फिडेंट फील करें, यही चीज़ मैं वीडियो में भी आप लोगों को बताता हूँ अगर आपको याद हो, कि टीम का कोऑपरेटिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत क्लिनिक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे टीम मेंबर्स एरोगेंट टाइप होते हैं, लाइक पेशेंट जब ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हैं, हमें बताते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन तो मेरा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जो टीम का बिहेवियर था वो इतना ज़्यादा अच्छा था नहीं। आई डोंट नो
क्यों क्लिनिक्स में ऐसा हो रहा है लेकिन होता है। एज अ पेशेंट सौरभ ने ये बताया कि क्लिनिक का बिहेवियर काफी ज्यादा अच्छा था, जिस वजह से वो कॉन्फिडेंस गेन करने में जिस वजह से इनको आसानी हुई, ठीक है, क्योंकि ये नर्वस थे। वैसे ही ऑब्वियसली सारे पेशेंट्स होते हैं, तो जहाँ पे अगर क्लिनिक का जो टीम है, डॉक्टर है, अगर वहाँ पे डॉक्टर का बिहेवियर अगर सपोर्टिव ना हो तो पेशेंट और भी ज्यादा नर्वस होने लगता है। और ऑब्वियसली ये बहुत 6-7 घंटे की सर्जरी है ट्रांसप्लांटेशन, पेशेंट का यू नो कंफर्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज मैंने अभी सौरभ ने बताया, तो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए कि टीम का कोऑपरेटिव होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वहां से कोऑपरेशन मिल गया और डॉक्टर अच्छे तरीके से फ्रेंडली नेचर के साथ बात करें तो सर्जरी बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है, जो कि आई थिंक सौरभ के साथ हुआ है। बिल्कुल सही कहा सर, जब मैं डॉक्टर से मिला तो काफी फ्रेंडली नेचर था, उन्होंने काफी अच्छे से मेरी प्रॉब्लम्स पूछी सारी और मुझे काफी अच्छे से कंसल्ट करा और मैं काफी सेटिस्फाई हुआ। उसके बाद मैं टीम से भी मिला, वहाँ के टेक्नीशियंस सभी से मिला मैं, मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो गया उनसे मिलने के बाद। तो फिर उसके बाद मेरी हेयरलाइन ड्रॉ करी, उसके बाद मुझे ओटी में बुलाया गया थोड़ा टाइम बाद। ड्यूरिंग ओटी उस टाइम भी डॉक्टर्स मेरे से बात करते रहे, ओटी में जब सर्जरी हो रही थी, जब सर्जरी हो रही थी उस टाइम भी डॉक्टर्स मेरे से बात करते रहे। ये चीज मैं पहले एक्चुअली वीडियो में बता चुका और आपको मैंने कल बताया था कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन में लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं ट्रांसप्लांटेशन से पहले कि आपको बेहोश कर दिया जाएगा, हमें होश ही नहीं रहेगा, हमें कैसे पता लगेगा ग्राफ्ट जितने बोले उतने लगाए कि नहीं लगाए। क्लियर कर चुका हूँ वीडियोस में और आगे भी बहुत चीजें मैं बताने वाला हूँ। हेयर ट्रांसप्लांटेशन में लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिसमें आपका एक लोकल पार्ट नंब होता है, आप पूरे होश में रहते हो, जैसे आप बता रहे हो आपने अब पूरे होश में थे ट्रांसप्लांटेशन के टाइम। यस सर, मैं पूरे होश में था, डॉक्टर्स हर 10 मिनट में मेरे से कन्वर्सेशन कर रहे थे और मैं उससे भी काफी कॉन्फिडेंस था उस चीज से बात करने के। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ क्लिनिक में डॉक्टर्स का प्रोफेशनल होना, क्वालिफाइड होना, टीम का प्रोफेशनल होना, एक्सपीरियंस होना तो मैटर करता ही है, लेकिन कोऑपरेटिव होना भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका नेचर अच्छा है, आप पेशेंट्स के साथ अच्छे से बात करते हो, आपकी टीम अच्छे से डील कर रही है, तो वहाँ पे पेशेंट और कंफर्टेबल हो जाता है। और एक बार पेशेंट कंफर्टेबल हो गया तो पेशेंट भी आपको सपोर्ट करेगा, आप भी पेशेंट को अच्छे से सपोर्ट कर पाओगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे पता है 95% क्लिनिक्स में ऐसा होता भी है। अब फाइनली उस क्वेश्चन पे आते हैं जो आई नो जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, जिन्होंने लास्ट वीडियो भी देखी, कमेंट भी किया, आपका आज ट्रांसप्लांटेशन हुआ, हेयर ट्रांसप्लांटेशन में आपके कितने ग्राफ्ट लगे और आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, खर्चा कितना है हेयर ट्रांसप्लांट का। सर पहले मुझे बताया गया कि मेरे 2000 ग्राफ्ट लगेंगे, लेकिन जब मैंने कंसल्ट करा डॉक्टर से तो उन्होंने बोला कि आपके 1500 ग्राफ्स लगेंगे और मेरा अप्रोक्स मेडिसिन वगैरह मिला के मेरा अराउंड 35,000 का खर्चा है। 35,000 विद मेडिसिन? विद मेडिसिन। और ग्राफ्ट कितने लगे? 1500 ग्राफ्स मुझे लगे पूरे, मतलब आप सेटिस आपको लग रहा है कि 1500 ग्राफ्स हैं ये? यस सर, 1500 ग्राफ्स है, 6 घंटे, ऑब्वियसली बात है 6 घंटे सर सर्जरी चली है। क्या डॉक्टर्स ने आपको दिखाया कि इतने ग्राफ्स लगाए गए हैं? यस सर दिखाया। अच्छा सर, अब एक बात बताओ, कल जब मैं आपसे बात कर रहा था और मॉर्निंग में भी आप एक चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे, और मुझे पता है बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं नर्वस रहते हैं, हेयर ट्रांसप्लांटेशन में पेन कितना होता है? जैसे कि मॉर्निंग में भी आपने कॉल पे पेन को लेकर बात करी थी, तो ऑनेस्टली बता दीजिए कैमरा में, अगर पेन हुआ है बता दीजिए, नहीं हुआ वो भी बता दीजिए, कितना पेन हुआ, कितनी देर तक पेन हुआ, सर्जरी के पहले पेन हुआ, सर्जरी के बाद पेन हुआ, अभी पेन हो रहा है, कैमरे में बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। तो सर पेन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जब मुझे एनेस्थीसिया दिया जा रहा था, लोकल एनेस्थीसिया, उस दौरान मुझे बहुत माइनर पेन फील हुआ, लेकिन वही डॉक्टर कन्वर्सेशन कर रहे थे मेरे से कंटिन्यू, तो उस पेन का भी मुझे पता नहीं चला। और फिर उसके बाद तो मुझे मतलब जब इंजेक्शन लगना स्टार्ट हुआ तब पेन हुआ क्या? तब हल्का सा, क्योंकि लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं कि, काफी लोग तो कॉल पे ये बोलते हैं इतनी बड़ी बड़ी सुई जब लगाई जाएगी तो बंदा तो सर्जरी के दौरान ही मर जाएगा दर्द से, तो उस पे आप क्या कहना चाहोगे? आपको पेन हुआ? नहीं सर, ऐसा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जब मुझे एनेस्थीसिया दे दिया गया उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे नीडल्स भी जा रही है। ओके ओके। नहीं सर, और कन्वर्सेशन चल ही रहा था हर 10 मिनट में डॉक्टर से, तो काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था। और सर्जरी कब, 6 घंटे की सर्जरी ख़त्म हो गई मुझे पता ही नहीं चला और कोई पेन महसूस नहीं हुआ। और अब तक भी सर्जरी को इतने आवर्स हो चुके हैं लेकिन अब तक भी मुझे कोई पेन फील नहीं हो रहा है। और स्वेलिंग खैर अभी तो आपकी आई नहीं है, लेकिन हो सकता है आपकी आज या कल, जैसे आप सभी को पता है आपकी स्टडी देखते हो, 1-2 दिन में आपकी स्वेलिंग आ जाएगी और आपको उसको देख के भी नहीं घबराना है, राइट? आपको अपने की स्टडी में देखा होगा स्वेलिंग आती है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सर्जरी। अब आपकी स्वेलिंग आए ना आए वो तो इनके चैनल पे आप देख लोगे, इनका चैनल मैंने बता दिया, ये अपने चैनल पे डेली अपडेट डालते रहेंगे, आएगी तो भी अच्छा है, नहीं आएगी तो भी अच्छा है, आपको घबराना नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हम चैनल का लिंक दे चुके हैं तो आप जाके देख सकते हैं। अब फाइनली उस क्वेश्चन पे आते हैं
जिसको लेके आप कंफ्यूज बहुत ज्यादा थे, आई नो आप जो पहले बात भी करते थे क्लिनिक को लेके। अभी ट्रांसप्लांटेशन हो चुका है, आई थिंक 3-4 घंटे हो चुके हैं ट्रांसप्लांटेशन को, सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, अच्छे ग्राफ्ट लगाए गए हैं, अच्छी तरीके से ग्राफ्ट लगाए गए हैं, टेम्पल्स बहुत अच्छे बनाए गए हैं। आप बताइए, क्या आपको लगता है आपका डिसीजन सही था इस क्लिनिक में ट्रांसप्लांटेशन करवाने का? आर यू सेटिस्फाइड विद इट? सर मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे हैं कि मैं बहुत डरा हुआ था क्लिनिक को लेके, पहले ही बात में बहुत ज़्यादा डरा हुआ था मैं। दिल्ली में लगभग 6 से 7 महीने मैंने क्लिनिक की विजिट करे, काफ़ी सारे क्लिनिक विजिट करे, और फिर मैंने बेस्ट हेयर हेल्प के बारे में देखा, तो वहाँ पर मैंने आपका चैनल भी देखा, आपकी वीडियोज देख के मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ, मुझे लगा यहाँ पर सब प्रोफेशनल्स होंगे। सच बोल रहे हो? जी मैं सच बोल रहा हूँ एकदम, इसमें कोई बनावटी कुछ नहीं है। फिर मैं आपके क्लिनिक जाने से पहले मैंने कई लोगों से पूछा, तो सभी का लगभग पॉजिटिव रिएक्शन था कि हाँ वो क्लिनिक अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे भी थे कि जो कह रहे थे कि नहीं आप इस क्लिनिक में मत जाइए। उन्होंने मुझे 2-4 क्लिनिक के नाम बताए कि आप यहाँ जाइए, ये ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पर बहुत। जी सर मैं वहाँ पर गया नहीं, क्योंकि पहले मैं आपका क्लिनिक देखना चाहता था, क्योंकि मैंने आपकी वीडियोस पहली देख चुकी थी और मैं पहले से ही काफ़ी कंफ्यूज था, इसलिए मैं और ज़्यादा क्लिनिक विजिट नहीं करना चाहता था। तो लेकिन उन्होंने मेरे को तब भी बोला कि आप जाइए, आप इस क्लिनिक जाइए, उस क्लिनिक जाइए, ठीक है, और मुझे खुद सजेस्ट करने लगे। फिर उसके बाद मैं आपकी क्लिनिक में पहुंचा, तो फर्स्ट डे जब मैं आपके क्लिनिक में पहुंचा तो मैं एंटर हुआ, मुझे एनवायरनमेंट ही वहाँ का काफ़ी पॉजिटिव लगा। डॉक्टर से कंसल्ट करा, क्लिनिक के प्रीवियस रिजल्ट देखे, तो मैं क्लिनिक गया, तो डॉक्टर के साथ मेरा कंसल्टेशन हुआ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई था जब डॉक्टर के साथ मेरा कंसल्टेशन हुआ। वहाँ पूरी टीम से मिला और उन्होंने अपनी टीम से मुझे खुद ही मिलवाया, और फिर उसके बाद फाइनली मैंने डिसाइड करा कि मैं अपना ट्रांसप्लांट यहीं से कराऊंगा। तो मतलब नर्वसनेस आपकी कम हो गई थी उस समय? काफ़ी कम हो गई थी सर। और जहाँ तक सेटिस्फेक्शन की बात है, तो मैं बता दूं कि मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ आज जो मेरी सर्जरी हुई है उससे, और अपनी हेयर लाइन से तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और बाकी जो भी रिजल्ट होगा वो मैं अपने चैनल पे दर्शकों को दिखाऊंगा। इनके चैनल पे आप इनके पूरी जर्नी देखने वाले हो, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो में 2 बार। मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पे अपना रिजल्ट शो करते जाऊंगा, जैसा जैसा मेरा रिजल्ट आते जाएगा। अब बेसिकली सौरभ एक बात बताओ, आप 24 ईयर ओल्ड हो, ठीक है, काफ़ी यंग हो, मैं तो यंग ही बोलूँगा। ऑब्वियसली जब मैंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था मैं 21 ईयर ओल्ड था, मैं चैनल पर बता चुका हूँ, एंड मुझे पता है यंग एज में ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बारे में अगर मैं किसी बात भी करता था तो उनके रिएक्शन बहुत वियर्ड रहते थे। वो तो 22 साल का, 21 साल का है, ट्रांसप्लांटेशन की क्या जरूरत, ट्रांसप्लांटेशन सेलिब्रिटीज़ करवाते हैं। चलो अफोर्डेबिलिटी अलग चीज़ है, लेकिन लोगों के मन में ये भी डाउट रहता था यार इतनी कम उम्र में भी ट्रांसप्लांटेशन करवा रहा है, दिमाग को कुछ हो गया, यू नो दिमाग से भी रिस्क ले रहा है, यहाँ पे तो माइंड का गेम है, यहाँ पे तेरी सर्जरी फेल होगी, अरे मेरे दोस्त ने करवाया था उसका तो रिजल्ट ही नहीं आया था। तो आपने फाइनली ट्रांसप्लांट करवा लिया, आपने कल वीडियो में बताया भी था, आपको भी कुछ ऐसे ही सुनने को मिला था, आज आपने ट्रांसप्लांटेशन करवा लिया। बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं आपकी एज ग्रुप के हैं ऑब्वियसली, जो हेयर लॉस से सफर कर रहे हैं, आई नो हमें बहुत लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, और मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो इनकी एज के भी होंगे, पर्सनली उनको आप क्या बोलना चाहोगे? अभी आपने ट्रांसप्लांटेशन करवा लिया तो अभी आपकी बात की वैल्यू है, तो आप क्या बोलना चाहोगे पर्सनली उन लोगों को, क्या मैसेज देना चाहोगे? तो जो भी मेरे एज के हैं, सबसे पहले तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी डॉक्टर से, पहले डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अगर वो आपको मेडिकेशन देते हैं तो आप मेडिकेशन फॉलो करिए, और अगर मेडिसिन से भी आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसके बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रांसप्लांटेशन कराइए। और लोग तो पॉइंट आउट करते ही हैं, लोग मुझे तब भी पॉइंट आउट करते थे कि यार तेरे बाल जा रहे हैं, तू गंजा हो रहा है, मुझे काफ़ी अजीब लगता था, और अब मैंने ट्रांसप्लांटेशन करा लिया है तो अभी भी मुझे पॉइंट आउट करेंगे कि ये क्या करा दिया तूने, अभी तो तू 24 साल का है। तो जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट शो हो जाएगा उन्हें ट्रांसप्लांटेशन के बाद। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप ट्रांसप्लांटेशन कराइए, बेझिझक कराइए, क्योंकि लोग तो पॉइंट आउट आपको तब भी करेंगे कि जब आप पूरे गंजे हो जाएंगे। ट्रांसप्लांटेशन आपका हो गया, आपने बता दिया आपको पेन भी नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे से ट्रांसप्लांटेशन हुआ, जैसे मैं तो देख पा रहा हूँ बहुत अच्छे से हेयरलाइन बनाई है, आप भी स्क्रीन में देख सकते हो बहुत अच्छे से टेम्पल्स बनाए गए हैं। क्लिनिक की तरफ से आपको ऑब्वियसली बता दिया गया होगा कब आपको हेड वॉश करना है। हमारे चैनल पे मैं दोबारा आपको बताता हूँ, इनकी हेड वॉश की वीडियो आने वाली, जब इनका हेड वॉश करेंगे, हमने लास्ट टाइम आनंद जी का जब इंटरव्यू लिया था उनकी भी वीडियो डाली थी हेड वॉश की, इनकी हेड वॉश की वीडियो हम दोबारा डालेंगे, क्योंकि आप लोगों की काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी कि हेड वॉश की वीडियो लाइए, तो इनका हेड वॉश हम अपने चैनल पे आपको दिखाएंगे। आपको बता दिया होगा हेड वॉश कैसे करना है, आपको ये बता दिया होगा आपको सोना कैसे है, आपको सर को कवर करने के लिए आपको डेफिनेटली कुछ दिया होगा जिससे आपको सर को कवर करना है, आप लाए हैं वो चीज? सर मुझे सर को कवर करने के लिए ये कैप दी है, और ये कहा है कि आप तब यूज कीजिए जब आप बाहर निकलते हैं। और कितने 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 दिन तक यूज करने को? सर ये अराउंड 7 डेज तक मुझे यूज करना है,
जब भी घर से बाहर निकले तभी ये यूज करना है, अगर आप घर में हैं तो आपको ये यूज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा, और सोने के लिए क्या बोला है, कैसे आपको, क्योंकि जैसे कि हम आपको बताते हैं ऑलरेडी वीडियो में कि आपको एक दो दिन स्ट्रेट सोना है, मैंने आपको पहले बताया था, डॉक्टर ने भी यही बोला है आपको? यस सर, डॉक्टर ने मुझे यही बोला है कि लगभग एक हफ्ते तक तो आपको स्ट्रेट सोना है, उसके बाद आप जैसे भी सो सकते हैं। और सौरभ एक बात बताइए, आपने जैसे कि अभी बताया आपका 35,000 लगा है, आप 1500 ग्राफ्ट लगे हैं, ऑलमोस्ट 20 रुपीज पर ग्राफ्ट आप मान लीजिए दिल्ली में आपके ट्रांसप्लांटेशन कितना लगा, आपको ऐसा लगता है कि आपने अगर 20 रुपीज पर ग्राफ्ट पैसा दिया है अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन का, वर्क तो ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है, आप लोग देख पा रहे हो वर्क तो बहुत अच्छा हुआ है नो डाउट, और वो रिजल्ट भी आपको दिख जाएगा हमारे चैनल पे भी और इनके चैनल भी, लेकिन अभी आफ्टर सर्जरी आपको लगता है कि जो पैसा आपने लगाए हैं वो वैल्यू फॉर मनी था, मतलब जो क्लिनिक है वो इतना वर्थ इट था? बिल्कुल सर, क्लिनिक में जब मैं गया तो बहुत हाइजीनिक और इंफ्रास्ट्रक्चर क्लिनिक का बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही खूबसूरत क्लिनिक था, और मैं क्लिनिक के अंदर घुसा तो स्टाफ भी काफी कोऑपरेटिव था, डॉक्टर से कंसल्टेशन करा और उसके बाद फाइनली हेयर ट्रांसप्लांट कराया और मेरा रिजल्ट आप देख सकते हैं, हेयर लाइन भी मेरी, मैं तो काफी खुश हूँ सर अपनी हेयर लाइन से। मतलब आपको लगता है कि अगर आपने इतना पैसा लगाया है तो क्लिनिक वर्थ इट था? यस सर, क्लिनिक बिल्कुल वर्थ इट था, वैल्यू फॉर मनी, अगर मेरे को इससे ज्यादा भी पैसा देना पड़ता तो मैं खुशी खुशी देता जो मेरा। यार आप ये चीज क्लिनिक को पहले बता देते तो आप ज्यादा पैसे ले लेते हैं, लेकिन सर मैं काफी खुश हूँ अपने ट्रांसप्लांटेशन से और मेरी हेयर लाइन से तो मैं बहुत खुश हूँ, और आगे रिजल्ट जो भी आएगा मैं अपनी जर्नी में दिखाऊंगा। अच्छा सौरभ, आपसे एक बहुत फ्रेंकली क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो काफी ज्यादा लोगों के मन में डाउट रहता है, बहुत मिसकंसेप्शन है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी ये टॉपिक रहता है, आप ऑनेस्टली आप मुझे एक बात बताओ, आज जो आपका ट्रांसप्लांटेशन हुआ, आपके ट्रांसप्लांटेशन में कौन सा पार्ट डॉक्टर ने किया और कौन सा पार्ट टीम ने, जिसको टेक्नीशियन भी बोलते हैं, उन्होंने किया, आप कैमरे में आज बताओ। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि जो मेरी हेयरलाइन बनाई वो डॉक्टर ने बनाई, हेयरलाइन जी जी, मेरी हेयरलाइन डॉक्टर ने बनाई, फिर मुझे ओटी में ले जाया गया हेयरलाइन बनाने के बाद, तो फिर मेरे ग्राफ्स निकाले गए, मेरे ग्राफ्स निकाले गए तो डॉक्टर से मेरे ग्राफ्स निकाले, और फिर उसके बाद मेरी स्लिट्स बनाई गई, वो भी सब डॉक्टर्स ने करा, और उसके बाद मुझे ब्रेक दिया गया, मैंने उस दौरान जूस वूस पिया, फिर उसके बाद मेरा जब इम्प्लांटेशन हुआ तो उसमें पूरी टीम वर्क था, उसमें पूरी टीम थी और डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद थे इम्प्लांटेशन के टाइम भी, जी डॉक्टर्स इम्प्लांटेशन के दौरान भी मौजूद थे और मुझसे बात कर रहे थे। ओके, मतलब ये चीज मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप शायद ये चीज दो दिन पहले मुझसे पूछ रहे थे, और मुझे पता है जो ये वीडियो देख रहे हैं काफी लोगों के मन में डाउट रहता है कि क्लिनिक में कौन सा पार्ट टेक्नीशियन करता है, कौन सा पार्ट डॉक्टर करते हैं, काफी लोग ये बोलते हैं कि मेरी पूरी सर्जरी डॉक्टर करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता, मैं पहले ही बता चुका हूं, एक इंडिविजुअल के लिए पूरा हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना पॉसिबल नहीं है, जो पार्ट डॉक्टर का है वो डॉक्टर ही करेगा, मैंने पहले ही बताया, एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट, स्लिटिंग वाला पार्ट और जो हेयरलाइन डिजाइनिंग वाला पार्ट है वो डॉक्टर ही करता है, इम्प्लांटेशन में डॉक्टर इन्वॉल्व रहते हैं लेकिन टीम इम्प्लांटेशन करती है, मैक्सिमम क्लिनिक से बता रहा हूं जैसे सौरभ ने बताया, लेकिन वहां पे भी डॉक्टर का प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप बता रहे हो डॉक्टर प्रेजेंट थे वहां पे, डॉक्टर हर टाइम वो टीम में प्रेजेंट थे। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, ये वीडियो बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट था, आप लोगों की काफी डिमांड आ रही थी कि आप एक पेशेंट के साथ बैठ के इंटरव्यू बनाइए, लकीली इन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया, सबसे पहले इनको थैंक यू बोलता हूं, आप इतनी दूर से आए, इन्हें बात करना सही समझा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना सही समझा, क्योंकि काफी लोग तो रेडी नहीं होता एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, आपने अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इनके एफर्ट्स और हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को सबसे पहले लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इनका भी जाके कर दीजिए, फर्स्ट टाइम हम चैनल में आ रहे हो, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे चैनल में बहुत सारी ऐसी वीडियोज आने वाली है जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस।